हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे केसी सिन्हा क्लास 12 एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन, और कहाँ से लेकर 18 से 20 तक। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18, सॉल्व टेन इनवर्स ए एक्स प्लस 1/2 सेक इनवर्स बी एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। इसमें हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है। देखो कैसे, थोड़ा सा लंबा बनेगा। आपका इधर tan इनवर्स ax है, ये हम लोग लिख लेते हैं tan इनवर्स ax प्लस 1/2 sec इनवर्स बी एक्स इक्वल टू पाई बाय 4। 2 को क्या करते हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स ए एक्स प्लस sec इनवर्स बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। अब 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स बी एक्स। 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स 2x और बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स 2ax डिवाइडेड बाय 1 माइनस ax का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस सेक इनवर्स बी एक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स बी एक्स के बराबर। अब इधर है टेन इनवर्स में, इधर है कोसेक इनवर्स में, तो कंपेयर तो होगा नहीं। और जबकि हमको एक्स का वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू निकालना होता है। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हमको इधर भी टेन इनवर्स, इधर भी टेन इनवर्स एक्स चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना करके इसको टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपका कोसेक इनवर्स का क्या होता है, एच बाय पी, तो एच के जगह पर कितना बी एक्स हो जाएगा और p के जगह पर कितना 1, अरे भैया bx एक्स बाय 1 है, तो फिर इसका बेस कितना हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर बात, tan इनवर्स 2ax डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स bx को हम tan इनवर्स चेंज करना चाहते हैं, इसके बदले हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1, कुछ इस तरह से। अब कंपेयरिंग के हिसाब से हम यहां पे लिख सकते हैं 2ax डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय रूट अंडर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2ax डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं, रूट को हटा देते हैं तब ना एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब तक रूट नहीं हटाएंगे हमें इक्वेशन नहीं मिलेगा, इक्वेशन नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग एक्स नहीं निकाल सकते। तो इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो 2ax का होल स्क्वायर करेगा 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर इक्वल टू इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ ही लो, 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए, इसको बी स्क्वायर करेंगे तो ए 4 और फिर एक्स 4 हो जाएगा इक्वल टू 1 बाय बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए 4
एक्स फोर इक्वल टू, इधर से गुना करते हैं, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स फोर, फिर माइनस फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बराबर। सबको इधर लाते हैं, बड़ा वाला पावर पहले लिखते हैं ए फोर एक्स फोर, फिर उससे बड़ा पावर यहां भी है एक्स फोर, इसको भी लिख देते हैं, तो माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स फोर भी इसमें माइनस टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको भी इधर लाते हैं, प्लस फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस वन इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा लंबा जरूर जा रहा है लेकिन धैर्य रखना है, आसान ही है, सब प्रोसेस में है। अब यहां से क्या करते हैं कि हम लोग x4 को कॉमन कर सकते हैं क्या, तो हो जाएगा a4 माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर और फिर x4, फिर प्लस यहां पे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, एक बात बताइए, जब हम लोग को इस टाइप से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, तो यहां से हम लोग एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स का वैल्यू निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए सी, जब ये एक्स के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें क्या है कि अगर हम इसी चीज को एक्स फोर लिखते हैं प्लस बी एक्स स्क्वायर लिख दें प्लस सी इक्वल टू जीरो कर दें, तब हम लोग यहाँ एक्स ना लिख करके एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा अगर हम इसको वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ एक्स है इसके बदले में क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है इसके बदले में क्या है एक्स फोर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके फॉर्म में एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, तो यहाँ भी ए के जगह पर कितना है बता, तो हियर हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और डिवाइडेड बाय टू ए के बराबर इक्वल टू, बी का वैल्यू कितना है तो इसका कोफिशियंट एक्स स्क्वायर का माइनस टू ए स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी के जगह पर कितना फिर से टू ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पर, देखो ए के जगह पर ये पूरा टर्म है इसी को ये बोलते हैं, अरे भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो रहता थी, ये इसका कोफिशियंट ये यहाँ बी और ये वाला क्या कहलाता है सी, तो ए के जगह पर कितना है ए फोर माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए फोर माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर फोर ए सी, सी के जगह पर कितना है सी के जगह पर वन ही है डिवाइडेड बाय टू ए टू, और ए के जगह पर ए फोर माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर से इक्वल टू माइनस टू ए स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर यहां आपका हो जाएगा स्क्वायर करने से फोर ए फोर माइनस 4 a 4 और प्लस चार चौका 16 a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 a 4 माइनस 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, क्लियर बात। फिर देखिए माइनस 2 a स्क्वायर ये तो आपका कैंसल हो जाएगा और रूट में बचेगा कितना 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, रूट से निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा प्लस माइनस 4 ए बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए फोर माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, यहां से हम लोग अगर 2 कॉमन कर लें तो बचेगा आपका माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस 2 ए
बी डिवाइडेड बाय टू इंटू, और इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए फोर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस में टू ए बी का स्क्वायर, इस ढंग से टू से टू कैंसल हो गया, इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में है, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और फिर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो एक बार इसको प्लस में लिख लीजिए, एक बार माइनस में, और एक किसका वैल्यू आ रहा था, एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक बार प्लस में, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और फिर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, और फिर अगला एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस टू ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और फिर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस को हम कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस टू ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये वाला कैंसल हो गया। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर, माइनस वन बाय ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, एक्स इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय ए स्क्वायर प्लस टू ए बी के बराबर। अब रूट में माइनस चला गया, इसका मतलब ये रियल नंबर तो नहीं होगा, ये इमेजिनरी होगा, जैसा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़े हुए थे। तो ये वैल्यू हम लोग लेंगे नहीं एक्स का, तो एक्स का अगला वैल्यू देखते हैं क्या आने वाला है। यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस को कर लेते हैं कॉमन, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कैंसल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन बाय ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस को इसमें लगा दो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं वन बाय टू ए बी माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर वन बाय टू ए बी और माइनस में ए स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। तो कुल मिला के अच्छा खासा क्वेश्चन था, बहुत ही लंबा बना, लेकिन एक प्रक्रिया में बना है, आप घबराइएगा नहीं, आराम से बनाते जाइए, बन जाएगा। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, ये वाला दूसरा, टेन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन टेन इनवर्स टू। इसमें भी हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। देखो क्या करेंगे, ये आपका बाहर टेन है और अंदर कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स को भी अगर हम टेन इनवर्स एक्स में बदल दें तो फिर फॉर्मूला लग जाएगा टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स, बाहर आपका साइन है और अंदर टेन इनवर्स में है, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, साइन के ही फॉर्म में, तो यहां भी फॉर्मूला बन जाएगा, प्रॉपर्टी बन जाएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो इसके लिए आपको दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा, है ना, तो पहला ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, इसके लिए कॉस इनवर्स एक्स और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच वन, तो यहां पर कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, टेन इंटू साइन इनवर्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन, इसके लिए भी अलग सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ये बगल में इसका टेन इनवर्स टू है, टेन का फॉर्मूला पी बाई बी, पी के जगह पर टू, बी के जगह पर वन, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, वन प्लस टू चार अधिक पांच, तो रूट पांच, ये आपका हो गया साइन इंटू साइन इनवर्स टू बाय रूट फाइव। ओह भैया इसमें टेन में इसको लिखना है ना, इसको टेन में लिखना पड़ेगा, टेन इनवर्स ये आपका रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स,
अब टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है एक्स, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू टू बाय रूट फाइव। एक्स का वैल्यू निकालना है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बाय फाइव। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, फाइव माइनस फाइव एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, उसको उधर भेज देते हैं तो हो जाएगा आपका कितना माइनस फाइव। तो यहाँ देखिए माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो गया माइनस नाइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस माइनस कैंसल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव बाई नाइन, एक्स इक्वल टू रूट फाइव बाई नाइन, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस रूट फाइव बाई थ्री। ये आया आंसर हमारा, एक्स का वैल्यू कितना प्लस माइनस रूट फाइव बाई थ्री, बहुत सिंपल था। फिर अगला देखते हैं, अगला भी काफी सिंपल है, टेन सेक इनवर्स वन बाय एक्स इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स वन बाय रूट फाइव, बिल्कुल उसी के जैसा सवाल है, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, और अगर आप लोगों को ट्राई नहीं करना है तो मैं बना ही देता हूं। यह आपका इधर है टेन, और सेक इनवर्स को हम क्या चाहते हैं कि इसको भी टेन इनवर्स में बदल दें, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इधर देखो बना दिया, सेक इनवर्स वन बाय एक्स, सेक का फॉर्मूला क्या होता है एच बाय बी, तो एच के जगह पर कितना मान लेते हैं वन, और बी के जगह पर कितना एक्स, तो पी कितना निकल जाएगा रूट अंडर वन माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको टेन के फॉर्म में लिख लो, तो रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू साइन, फिर से एक और ट्रायंगल लेना पड़ेगा इसके लिए, और इसको हम लोग किस में लिखेंगे साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे। चलो बना लेते हैं इसके बगल में ही, कॉस इनवर्स वन बाय रूट फाइव, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, बी के जगह पर कितना वन, और एच के जगह पर कितना हो जाएगा तब रूट फाइव, तो इसका p निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पांच माइनस है कितना हो जाएगा चार, और टू मिलेगा, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा कितना मिलेगा टू। तो साइन इनवर्स, साइन का फॉर्मूला p बाई एच टू बाई रूट फाइव। अब प्रॉपर्टी लग गया टेन, टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है x, वन माइनस एक्स स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाई x इक्वल टू, ये आपका साइन, साइन इनवर्स x इक्वल टू x टू बाई रूट फाइव। फिर से स्क्वायरिंग कर लेते हैं क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा दोस्त, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बाय फाइव, बिल्कुल पिछला सवाल ही बन गया है, तो फाइव माइनस फाइव एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साइड लाओ, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फाइव, या आपका फिर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस माइनस कैंसल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फाइव बाई नाइन, एक्स इक्वल टू रूट अंडर फाइव बाई नाइन, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट फाइव बाई थ्री, वही आंसर जो पिछला सवाल में था। चलिए आया समझ में, फिर अगला देखो ये वाला, कॉस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन कॉट इनवर्स थ्री बाई फोर, ये कौन सा खेत का मूल्य है, ये भी उसी टाइप का है, काफी इजी है ना, बना लोगे क्या, बना ही देता हूं। ये लिखो यहां प्रेम से कॉस, और इसको भी तब किस में चेंज करना पड़ेगा कॉस में, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, तो P का काम कौन करेगा X, और B S X के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो फिर H कितना हो जाएगा 1 प्लस X हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं cos के फॉर्म में, तो cos cos का फॉर्मूला इस ट्रायंगल के हिसाब से B बाई एच 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस X स्क्वायर इक्वल टू साइन cot इनवर्स, इसके लिए अलग ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, इधर बना लो, cot का फॉर्मूला b बाई पी थ्री फोर, तो सोलह माइनस नाइन कितना हो गया सेवन,
तो यहां आपका आ जाएगा रूट सेवन, है ना, बी बाई पी साइन, और यहां पर साइन इनवर्स, साइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी बाई एच, फोर बाय रूट सेवन, साइन इनवर्स फोर बाय रूट सेवन, कॉस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला एक्स, तो वन बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू फोर बाय रूट सेवन। स्क्वायरिंग करते हैं इसको, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन बाय सेवन, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेवन, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेवन माइनस सिक्सटीन। ये लगता है हम लोग कहीं मिस्टेक कर गए हैं, है ना, क्योंकि माइनस में आ रहा है, देख लो, कॉस टेन इनवर्स एक्स टेन का पी बाई बी, तो फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर करेक्ट, साइन कॉट इनवर्स थ्री बाई फोर थ्री फोर तो नाइन और प्लस सिक्सटीन, यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हो, नाइन प्लस सिक्सटीन कितना ट्वेंटी फाइव, तो यहाँ फाइव आएगा दोस्त, यहाँ फाइव आएगा, हम लोग इधर पूरा मिस्टेक कर गए हैं, ये आपका साइन इनवर्स हो जाएगा फोर बाय फाइव, इतना आएगा, तो यहां से कंपेयर कीजिए आप, वन बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बाय फाइव। अब स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सोलह बटा पच्चीस, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 16 प्लस 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 इक्वल टू 9, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 बाय 16, एक्स इक्वल टू रूट 9 बाय 16, तो फिर x किसके बराबर, प्लस माइनस, ये आपका यहाँ दोनों प्लस माइनस आ जाएगा, तो एक ही वैल्यू लिखो, x का वैल्यू 3 बाय 4 जाके आपका आंसर। ये रहा सवाल नंबर 4 था, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, 19 भी x का वैल्यू निकालने बोल रहा है कि इफ इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो सिंपल सा फॉर्मूला, वही फॉर्मूला जो चल रहा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan इनवर्स x प्लस y, यही ना होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इनटू y, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, तो x के जगह पर क्या है, x माइनस 2 बाय x माइनस 4 प्लस एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस फोर, और फिर डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस फोर, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स इंटू वाई, एलसीएम लेते हैं, टेन इनवर्स एलसीएम आएगा यहां पर एक्स माइनस फोर और फिर x प्लस फोर, एक्स माइनस फोर कैंसल, तो x माइनस टू किसके साथ गुना होगा, x प्लस फोर के साथ, और प्लस में x प्लस फोर कैंसल, इस बार x प्लस टू किसके साथ गुना होगा, x माइनस फोर के साथ, और इक्वल टू पाई बाई फोर है, इसको साथ में लेके चलना पड़ेगा क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है, और x तभी निकाल सकता है जब हमारे पास कोई इक्वेशन रहेगा, इसलिए इक्वालिटी का साइन हमें छोड़ना नहीं है। यहां भी आपका एलसीएम देखो कितना आएगा, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर, यहाँ मिलेगा एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर माइनस एक्स माइनस टू और फिर एक्स प्लस टू इक्वल टू पाई बाय फोर, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करो प्लस फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस एट, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस फोर, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और फिर यहाँ भी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता तो माइनस माइनस प्लस फोर इक्वल टू पाई बाई फोर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फोर एक्स प्लस में माइनस में माइनस में प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो गया टू एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस एट माइनस एट तो माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर देखो प्लस में माइनस सोलह प्लस चार तो माइनस बारह और इक्वल टू यहाँ टेन इनवर्स पाई बाय फोर। अब इस टेन इनवर्स को क्या करते हैं ट्रांसफर कर देते हैं उधर, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाय माइनस बारह इक्वल टू टेन पाई बाय फोर बन जाएगा, और टेन पाई बाय फोर का वैल्यू क्या होता है वन, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाय माइनस ट्वेल्व इक्वल टू वन। इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाय माइनस ट्वेल्व इक्वल टू वन है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन, टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर दो दुना चार तो x इक्वल टू किसके बराबर रूट टू के बराबर, ये आपका आंसर हो गया। फिर अगला आते हैं इस एक्सरसाइज का बिल्कुल आखिरी सवाल, और अंत भला तो जग भला है ना, तो फिर मजे से इसको भी समझो कि सो करके दिखाना है इसमें, इसमें वैल्यू x का नहीं बल्कि सो करके दिखाना है कि इधर वाला जो पार्ट है ये बिल्कुल इसके बराबर है। एक बात और बोला है इसमें कि n जस्टिफाई वाई द अदर वैल्यू फोर प्लस रूट सेवन बाई थ्री इज इग्नोर्ड, इसको इग्नोर क्यों किया गया है, तो पहले तो हमें इसका वैल्यू इसके बराबर प्रूफ करना है, और जब इसको प्रूफ करेगा तो यहाँ दो वैल्यू आएगा एक माइनस में एक प्लस में, तो हम प्लस वाला वैल्यू क्यों नहीं लेंगे इस बात को भी बताना है कि इसको हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं। देखो फिर बनाएंगे हम लोग एल एच एस लेते हैं, पहले एल एच एस में हमारा है टेन वन बाई टू साइन इनवर्स थ्री बाई फोर, और हमें प्रूफ करना है फोर माइनस रूट सेवन बाई थ्री। इसमें हम लोग क्या सोच सकते हैं, पहले खुद से ही सोच के देखो क्या कर सकते हैं, बाहर टेन है अंदर टेन इनवर्स बना देते तो प्रॉपर्टी लग जाता, ऐसा सोच रहे होंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पहली बार सोच रहे हैं तो सही ही सोच रहे हैं, लेकिन देखना यार कि अगर हम इसको टेन इनवर्स भी बना दें देखना क्या इसमें प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, इधर टेन है और वन बाई टू, इसको अगर टेन इनवर्स में तुम चेंज भी कर देते हो टेन इनवर्स एक्स के फॉर्म में तो क्या टेन इन और फिर वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, एक्स तो हम नहीं सिखाए और ऐसा प्रॉपर्टी होता नहीं है, तो हो जाता अगर वन बाई टू नहीं रहता तो इसको हम टेन में चेंज कर देते, लेकिन वन बाई टू हमारा क्या कर दिया डिस्टर्ब कर दिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा कालिया, वन बाय टू तो हमें लफड़ा में डाल दिया, समस्या में डाल दिया, कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग, कुछ अच्छा ही कर लेते हैं, इस वन बाय टू को रहने देते हैं है ना, और हम क्या करते हैं साइन इनवर्स थ्री बाई फोर को थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री बाई फोर, तो इसको हम अब क्या लिख सकते हैं टेन लिख सकते हैं, और इसको थीटा माने हैं तो यहाँ थीटा बाय टू लिख सकते हैं, और टेन थीटा बाय टू को हम लिख सकते हैं क्या वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, बोलेगा क्यों सर क्यों ऐसा लिख सकते हैं, देखो वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय, टू से टू कैंसल स्क्वायर से साइन कैंसल साइन बटा कॉस कितना हो जाएगा टेन थीटा बाय टू नहीं हो जाएगा क्या बोल मेरे भाई, हो जाएगा कि नहीं,
तो इसीलिए टेन थीटा बाई टू को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो फिर लिख ही दिए और आगे बढ़ते हैं, यहां से साइन को इधर ट्रांसफर कर दो आप, तो साइन थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं, थ्री बाई फोर के बराबर। साइन थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं, थ्री बाई फोर के बराबर। और यहां से हमको वैल्यू निकालना है कॉस थीटा का, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दो इधर, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल। साइन का थ्री पी बाई एच, तो बी कितना आ जाएगा 16 माइनस तीन, रफ में करके देखना 16 माइनस तीन कितना सात, तो रूट लग जाएगा रूट सेवन। तो इस हिसाब से वन को लिख सकते हैं वन बाय वन माइनस, कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा को लिख सकते हैं रूट सेवन बाई फोर, बी बाई एच रूट सेवन बाई फोर डिवाइडेड बाय साइन थीटा का, तो यहाँ वैल्यू है ही थ्री बाई। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं अब हम लोग, कितना आएगा चार, चार माइनस रूट सेवन डिवाइडेड बाय थ्री बाय फोर, से फोर कैंसल, इक्वल टू क्या हो गया फोर माइनस रूट सेवन बाय थ्री, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा प्रूफ तो हो चुका है, लेकिन बोला था एंड जस्टिफाई वाई दी अदर वैल्यू फोर प्लस, इसमें तो एक ही वैल्यू आया है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टाइप से बनाते हैं तो शायद हमें दोनों वैल्यू मिल जाता, हम लोग शॉर्टकट मेथड से बना चुके हैं। तो प्लस वाला इसलिए अगर क्वाड्रेटिक मेथड से बनाओगे तो ये प्लस वाला हम लोग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि देखना ये जो साइन का वैल्यू है कहां से कहां लाइज करता है, माइनस वन से लाइज करेगा बड़ा होगा और फिर वन से छोटा रहता है साइन का वैल्यू। तो फोर प्लस रूट सेवन ले लेंगे हम, तो चार प्लस इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा आएगा और इसको तीन से भाग देंगे तो ये एक से ज्यादा एक से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग इस वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। और ये वाला वैल्यू देखो चार में घटाएंगे तीन से भागा देंगे तो माइनस एक से एक के बीच में ही लाइज करेगा, इसीलिए हम लोग प्लस वाला वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, इस एक्सरसाइज में जितने सारे क्वेश्चन थे हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया। फिर हम लोग मिलेंगे नया एक्सरसाइज को लेकर के बहुत ही जबरदस्त तरीके से, तब तक इंतजार कीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही, बाय बाय, लव यू ऑल।